तो देख लिया हम लोग इधर शॉर्टकट से जाने वाले थे, इधर कंस्ट्रक्ट हो ना यार आगे से। देखिए इधर कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण छोटा सा रास्ता था, पतला रास्ता है जो कि जा नहीं पाएंगे। और यहाँ पे पूरा रास्ता ये मतलब कि डिस्टर्ब्ड है फिलहाल, तो हम लोग चलते हैं। अब थोड़ा लॉन्ग जाना पड़ेगा, हम लोग को घूम करके जाना पड़ेगा, तो चलते हैं फिर। तो बोलो वीडियो बनाएंगे हमसे, तो वीडियो बना के खींच देंगे फोटो वोटो हिल जा रहे थे किधर रास्ता भूल गए हैं, लेकिन सभी रास्ता वहीं तक जाती है जहां मेरी मंजिल है। और देखिए भूल तो गए हैं लेकिन आ गए फिर से रास्ते की ओर। और हम देखिए दूर से कुछ नजर आ रहा होगा, काफी भीड़ भाड़ है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पर। अब रुक बंद कर। कौन फिल्म में दिखाया था बोलो तो? शोले। बिल्कुल सही, इसी टनल में शोले के एक बहुत ही बेहतरीन सीन की शूटिंग हुई थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शोले फिल्म का वही सीन है जो इस सुरंग में शूट हुआ था। और इस सुरंग को यहाँ पे शोले टनल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के लोकल्स आपको ये बात प्राउडली बोलते दिखेंगे। जैसा कि आप ये पुराना वाला सुरंग देख रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस सुरंग के बारे में क्यों बता रहा हूं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसी सुरंग में शोले फिल्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीन फिल्माया गया था। और दूसरी बात जो इसे इतनी महत्वपूर्ण बनाती है वो है सुरंग का इतना पुराना होना। इसमें 2021 में अपने 160 साल पूरे किए और ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा। मतलब कि ये सुरंग हमें आजादी मिलने से भी 91 साल पहले बनाई गई थी। 1856 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1861 में जाकर यह कंप्लीट हुआ। तो यह सुरंग इतनी पुरानी है। देखिए हम लोग यहाँ पे जमालपुर सुरंग का मतलब वीडियो बनाना है। ये लोग जंगली तोड़ने के लिए जा रहा है, देखिए किसान है बात सब। जैसा कि लोग उंगली तोड़ने के लिए ऊपर गए थे, कच्चा इमली देखो, कच्चा इमली देखो, कच्चा घर ले जाएगा, बता नहीं रहा था कि हम भी लाए, वीडियो बनने लगा तो दिखा रहा है इमली। तो अब चलते हैं नए वाले की तरफ, टिकटॉक स्टार सब पीछे मेरे। मेरे दिल को चुराया। ये है हमारा पुराना वाला सुरंग, उसके जस्ट बगल में देख सकते हैं आप, ये नया वाला कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये वाला है। इसको आपको और अच्छे से दिखाते हैं हम जाकर के आगे। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा है। तो जैसा कि मैंने पूछा है इन लोगों से, बोल रहे हैं कि अभी कम से कम इसमें 2-3 महीने का समय लगेगा, जो कि जब इसे मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। और जैसा देख रहे हैं इसे पूरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया, ताकि इसमें इवन बुलेट ट्रेन भी पास करे तो इसमें दिक्कत ना हो, इसे इतनी मजबूती से बनाया जा रहा है। इसमें लाइटिंग वाइटिंग की सारी व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की गई है। तो पुराने वाले सुरंग के बारे में मैंने बताया था, और ये नया वाला जो सुरंग है इसकी लंबाई 341 मीटर है। पुराना वाला 246 मीटर का था। हमारे इंडिया में भी आजकल बहुत सारी फास्ट ट्रेन, तेजस हो गई, राजधानी एक्सप्रेस हो गई, सब ट्रेन उस वाले पुराने वाले सुरंग से गुजरना बहुत ही मुश्किल था। और इस वाले नए वाले सुरंग से, वो इसी कारण से दूसरा बनाया भी जा रहा है, कोई जाने आने में कोई दिक्कत ना हो, कोई भी ट्रेन गुजर सके। और इलेक्ट्रिक वाला जो सिस्टम लाया गया, इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम भी पिछले एक साल पहले यहाँ पे आया था, नहीं तो यहाँ पे जो है ना हमेशा डीजल वाली ट्रेन ही चलती थी। तो बेसिकली आप लोगों को यही बताना था, यही दिखाना था। तो लगभग 160 साल पूरा हो गया उस पुराने वाले सुरंग का, और ये नया वाला तो ये 2019 में बनना, 2019 के अक्टूबर में इसका बनने का शुरुआत हुआ था। अभी जाकर के 2021 में इसका माने 2 साल पूरा, और 2 साल से कुछ महीने ज्यादा हुए हैं, और 2-3 महीने और लगेंगे इसे कंप्लीट होने में मैक्सिमम, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देख रहे हैं कि यहाँ पेंटिंग वगैरह किया जा रहा है इसके साइड साइड में, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, ये शुरू ही हुआ है। जमालपुर मुंगेर का जो भी पर्यटन स्थल है इस पे दिखाया जाएगा, ताकि यहाँ पे से जितने भी यात्री गुजरे यहाँ पे देख सके, यहाँ की सुंदरता के बारे में जान सकें।
के बीच में एक कॉम्पिटिशन लगा है, दोनों में से जो पहले नीचे आएगा उसको समोसा खिलाना पड़ेगा हम तीनों को। लेट्स 1 2 3 स्टार्ट, चलिए चलिए चलिए। पता नहीं कौन जाएगा यार, यहाँ पुटूस हार चुका है और ये पुटूस को समोसा पार्टी के लिए यहाँ पर। पुटूस यहाँ कैमरे में देख के अपना हार स्वीकार कीजिए जरा, यहाँ पुटूस हार कुछ भी देखिए, एक्सक्यूज देने से काम नहीं होता, हार गए। तो ये विनर देख रहे हैं भास्कर, विनर बहुत खुश है समोसा खाने के लिए। लोग अब वापस घर जा रहे हैं, टनल से होकर के उस साइड हम लोग की गाड़ी लगी हुई है, उधर से ही चलते हैं। अभी चलिए मेरे साथ। तो टनल से होकर के ही पास कर रहे हैं, टनल से होकर ही क्रॉस करते हैं। काफी लंबा है भाई, अभी आधा ही पार हुआ है। काफी लंबा है, मुझे लगता है पैदल पार करने में कम से कम गर्मी में आए, ठंडी में आए, उसके अंदर में ठंडा की महसूस होगी। हाँ ये बात है, तो फाइनली हम लोग का आज का जो भी ब्लॉग था खत्म हो गया, हम तीनों वापस अब घर जा रहे हैं। मैं वापस जाऊंगा गाना गाते हुए। तो ठीक है, तो फिर आप लोगों को अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में जल्दी ही मिलेंगे। थोड़ा सा लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते किसी दूसरे ब्लॉग में। जय हिंद।